मध्य प्रदेश के नागदा खाचरौद में भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह शेखावत को एक युवक ने जूते की माला पहना दी। हालांकि शेखावत ने तत्काल माला निकाल दी और युवक को दबोच लिया, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे बीजेपी के नेताओं को जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उज्जैन की नागदा खाचरौद सीट का है। यहां बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह शेखावत को चुनाव प्रचार के दौरान गांव खेड़ावदा में एक व्यक्ति ने जूते की माला पहना दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शेखावत रात में जनसंपर्क करने निकले थे। वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि जब बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह शेखावत एक ग्रामीण के चरण स्पर्श कर वोट का अनुरोध करते हैं, तो ग्रामीण उनके गले में एक माला पहना देता है। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी शेखावत ग्रामीण को पीटते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे बीजेपी विपक्ष की साजिश जरूर बता रही है, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नागदा।